तो वहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। वो इंद्री विधानसभा से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लगातार सैनी बिरादरी की मीटिंग चल रही थी, जिसके दबाव में आकर राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। राजकुमार सैनी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बिरादरी के दबाव में आकर अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। वो किसी भी पार्टी को समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। उनकी लड़ाई हमेशा ही गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को आवाज उठाने के लिए ही, वो इसी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उनके ऊपर दबाव डाला गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी बिरादरी का, यानी कि नायब सिंह सैनी बने हुए हैं, वो इसी तरह से बरकरार रहे। ये तमाम बातें राजकुमार सैनी की ओर से कही गई। तो बिरादरी के दबाव में आकर नामांकन वापस लिया राजकुमार सैनी की ओर से कहा गया। और साथ ही आपको बता दें कि राजकुमार सैनी ने कहा, हमेशा गरीब और पिछड़े समाज के लिए लड़े हैं और लोगों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो इंद्री से आपको बता दें राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और इस दौरान उनकी ओर से कई बयान भी सामने आए। सैनी ने कहा कि हमेशा गरीब और पिछड़े समाज के लिए लड़े हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। राजकुमार सैनी ने नामांकन वापस लिया और कहा कि हमेशा गरीब और पिछड़े समाज के लिए लड़े हैं और लोगों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, राजकुमार सैनी की ओर से कहा गया। तो आपको बता दें राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इंद्री से उम्मीदवार थे और उनकी ओर से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा से लड़े थे, हमेशा से प्रतिबद्ध थे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी बातें राजकुमार सैनी की ओर से कही गई। आपको बता दें इंद्री से उम्मीदवार थे राजकुमार सैनी, जिन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है और इसी के चलते राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन वापस लिया। तो लोगों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये भी राजकुमार सैनी की ओर से कहा गया। हमेशा गरीब और पिछड़े समाज के लिए लड़े हैं और लोगों की आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे।